क्यों मेरा गुनाह इतना था कि मैंने सवाल खड़े किए थे कि कुरान के अंदर कत्लोआम क्यों है? जो प्रॉफिट जिसको मोहम्मद जो जिसको तुम अल्लाह का रसूल कहते हो, अल्लाह का रसूल क्यों है, कैसे है, वो तो अहंकारी व्यक्ति था। क्या इन लोगों को मालूम नहीं कि जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल से मुकाबला करता है तो उसके लिए जहन्नम की आग तैयार है जिसमें वो हमेशा जलता रहेगा। ये बड़ी रुसवाई है। मुनाफिक डरते रहते हैं कि उनके बारे में कहीं कोई ऐसी सूरत न उतर आए कि उनके दिल की बातों को इन मुसलमानों पर जाहिर कर दे। कह दो कि हंसी किए जाओ, जिस बात से तुम डरते हो अल्लाह उसको जरूर जाहिर कर देगा। और अगर तुम उनसे इस बारे में दरियाफ्त करो तो कहेंगे कि हम तो यूं ही बातचीत और दिल लगी करते थे। कहो, क्या तुम अल्लाह और उसकी आयतों और उसके रसूल से दिल लगी करते थे?